चेहरे पे कपड़ा बांधे ये पीड़िता जिसके साथ 1.5 साल तक सामूहिक बलात्कार होता रहा। बता दें कि पीड़िता फैशन डिजाइनर की छात्रा रह चुकी है और कुछ साल पहले ये तांत्रिक से मिली थी। तांत्रिक ने धोखे से उसे नशीला पदार्थ खिलाया और अपने साथ ले गया, जहां उसे बंधक बना कर रखा गया। पीड़िता का कहना है कि उसे बेचने की कोशिश की गई थी। 11-11 को हम कॉलेज जा रहे थे पढ़ने के लिए, तो ये रास्ते में मिला और बोला कि तुम्हारे फादर का एक्सीडेंट हो गया है और मड़वा भी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो चलो वहीं पे। तो जब हम टेम्पू में बैठे तो ये हमको कुछ खिला दिया। खिला देने के बाद हम बेहोश हो गए। फिर हमको ये ले जाके लहर तारा में रखा था। इसका लड़का हमको लेके गया, वहीं रखा था। वो मतलब गलत काम किया। फिर हमको जब होश आया तो हम उसको मारे तो वो हमको भी मार के भाग गया। तो इसका इस ये जो बाबा था, फिर वो 3 दिन बाद आया तो इसने भी हमको मारा। रोज़ मारता था, गलत काम करता था मेरे साथ। फिलहाल एक NGO की मदद से पीड़िता तांत्रिक के चंगुल से निकलने में कामयाब हुई और तांत्रिक पुलिस की गिरफ्त में है। NGO है द अलायंस, उसके संपर्क में आई और उन लोगों के माध्यम से इसने अपनी बात प्रशासन को रखी। हमारे ASP साहब के सामने बात गई, उन्होंने एक टीम बनाई जिसमें महिला कांस्टेबल अमिता सिंघल और किरण गुप्ता को लगाया गया थाना अध्यक्ष जयपुरा की टीम के साथ। और हम लोगों ने एक समय मुखबिर की सूचना पे मुलजिमान को गिरफ्तार किया, जिसमें अभियुक्त दुलाल और अभियुक्ता हिना खान ये मिली, उनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। पुलिस मासूम जिंदगियों को तबाह करने वाले इस घिनौने खेल से जुड़े और कई आरोपियों की तलाश में है। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो वाराणसी।